हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। और ऐसा है कि आज एक छोटी सी राइड करेंगे। तो राइड का मतलब ये है कि लॉकडाउन में हम कहाँ जा सकते हैं सिवाय वैक्सीन लगवाने के। तो अभी जो है हम वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। और किस तरीके से मुझे इसका यह स्लॉट मैंने बुक किया है या अपॉइंटमेंट इसकी मिली है, तो वो पूरा का पूरा मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। तो पहले चलते हैं बाइक पर, थोड़ी सी गिड़ी गुड़ी मार के आते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से स्लॉट हमने इसका बुक किया है। तो बाइक को करते हैं वार्म अप और चलते हैं फिर अपनी छोटी सी राइड पे। ओ भाई, हेलमेट लगा ले भाई, लॉकडाउन है पता है, फिर भी सेफ्टी तो अपने हाथ में होनी चाहिए। अरे वाह अंकल, अब तो अंदर तक हवा लगवा रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने जयपुर वाली जो सीरीज़ है वो देख तो ली होगी। वैसे अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, चेक कीजिए आपको कैसी लगेगी। आई मीन टू से अच्छी लगेगी आपको शायद। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना, और अच्छी नहीं भी लगे तो भी बता देना। मेहनत बहुत लगती है वैसे एक वीडियो को बनाने में पूरा। तो ऐसा है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वैसे। अभी ये वाली जो राइड है, राइड नहीं मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो अभी वैक्सीन सेंटर जो है, जो मुझे अलॉट हुआ है या जो मैंने जहाँ से अपॉइंटमेंट ली है, वो पड़ता है अशोक विहार में, जो मॉडल टाउन के आई थिंक आसपास ही पड़ता है कहीं पर। तो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ ईस्ट दिल्ली से वहाँ पर। तो ईस्ट दिल्ली में मुझे कहीं पे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, बहुत कोशिश करी मैंने बट नहीं मिल रही थी। और आई नो कि आधे से ज़्यादा लोग या पूरी जनता जो है आज की डेट में वो सफ़र कर रही है इसी चीज़ से कि बुकिंग्स मिल नहीं रही हैं। तो भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी जो है जितनी आसान है यूज़ करनी, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं ये सरकारी लोग इसको। तो आई डोंट नो कि मतलब उसमें क्या ग्लिच है क्या नहीं है। आई हैव फाउंड रास्ता, तो वो मैं चल के आपको अभी आगे बताऊंगा कि बुकिंग्स लेनी कैसे एक्चुअली। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे कैसा भी आप कमेंट कर सकते हो, आपको खुली छूट है, जैसा मर्जी कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि पता लगे कि जो मेरी मेहनत है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या जो भी बना के मैं अपनी मेहनत जो कर रहा हूँ, वो आप लोगों को सराहनीय लग रही है या नहीं लग रही, या मुझे क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट और करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, व्हाटएवर। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, थोड़ा सा राइड को इन्जॉय करते हैं, है ना, और बढ़ते हैं हम अपना कहाँ पर, सेंटर की तरफ जल्दी जल्दी। तो तब तक आप ये स्लो स्लो मोशंस एंजॉय कीजिए। यार ये मुझे समझ नहीं आता, ये लोग ऐसे करके क्यों चलाते हैं। केकड़े जैसे प्यार कर लेंगे बाहर को। भाई कौन सा पोस्चर है ये बता दो मुझे। चलो जी, यहां से हमने लेना है लेफ्ट। बाइक चला चला के ना आज थोड़ी सी आत्मा जो है ना वो तृप्त होती हुई नजर आ रही है मुझे, अंदर से ना आवाज सी आ रही है, ओ माय गॉड, अच्छा ओहो ऐसे भी होता है। थोड़ा थोड़ा ना, मतलब कहते हैं ना वो मजा सा आ रहा है, धूप है मजा आ रहा है। लेकिन
हाँ जी, तो दोस्तों तो अभी जो वैक्सीन है वो लग चुकी है अंदर, बेसिकली शूट करने का टाइम या कह सकते हो कि अंदर शूट करने नहीं दिया मुझे, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करने नहीं दी, क्योंकि इतना टाइम बेसिकली मिलता ही नहीं है, आपको फटाफट क्यू में लगना पड़ता है, क्यू में लगने के बाद आपका फटाफट से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप शूट कर पाओ, लास्ट में जाके आपको वेटिंग का जो टाइम होता है वो देते हैं, उसके बाद कोई टाइम नहीं होता, उसके बाद तो आप सीधा बाहर ही आ जाओ, तो उसके बाद कोई शूट करने का मतलब बनता ही नहीं है। मैं बाहर आया एक बारी तो मैंने कहा चलो एक बारी आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी जो वैक्सीन है वो हो चुकी है, एक डोज लग चुकी है ऑलरेडी, सो घर से बहुत दूर आना पड़ा है मुझे, तो उसके लिए बुकिंग और स्लॉट कैसे लिए बने रहिए वो दिखाता हूँ अब आपको। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द ओटीपी फर्स्ट। तो ओटीपी मंगा लेते हैं 999। ओटीपी आने देते हैं अभी पहले। Okay, here it is. 1, 5, 8, 4, 3, 0. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी जो है वो पहली डोज हो चुकी है, तो मैंने और दो मेंबर्स ऐड कर रखे हैं, एक मेरी वाइफ है और एक कजन है। तो अपनी वाइफ का पहले शेड्यूल कर लेता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आपके पास जो है वो टेलीग्राम होना चाहिए इंस्टॉल्ड, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एक आपको ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा दिल्ली वैक्सीन 18 प्लस अलर्ट्स, आपके पास सारे के सारे अलर्ट्स आएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हो अभी इसमें जो है 543 अलर्ट्स ऑलरेडी आ रखे हैं, तो इसको क्लिक करते हैं और चलते हैं सबसे नीचे। अभी जो लेटेस्ट बता रहा है वो बता रहा है ईस्ट दिल्ली में, और कितनी देर पहले का है, 3:36, और अभी हो रहे हैं 37, तो लेट्स वेट फॉर अनदर मिनट और हम एक और अपडेट आने का वेट कर लेते हैं। तो एक और अपडेट आ गया है, अब बता रहा है ये साउथ दिल्ली में 14 स्लॉट्स हैं एक, तो साउथ दिल्ली सर्च 18 प्लस, तो ये वाला जो बता रहा था, कौन सा बता रहा है, ये 20 तारीख का बता रहा है ये, तो आज है 19 और एक 40 में लग रहा है साउथ दिल्ली में, और एक रेनबो करके है, तो वहाँ पर भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स वेट फॉर अनदर मिनट, एक और अपडेट आने देते हैं। फोर्टिस न्यू दिल्ली, तो एक ही स्लॉट है, बहुत ही रेयर मिल पाता है। अब देखो ये डॉक्टर बीएल के 100 स्लॉट्स बता रहा है, बट आज के ही बता रहा है वो, तो आज के तो पॉसिबल नहीं है, तो वेट करते हैं। आज के ही बता रहा है अगेन, ये आया साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट दिल्ली सर्च, साउथ ईस्ट आ जा, ये देखो 195 स्लॉट्स आ रखे हैं इसमें, और ये अभी आ जाएगा इसमें, हम कर लेते हैं कल के लिए बुक, आज का रेट है 19, Let's do it. XK. हाँ जी, तो ऐसा है, अब इसमें तो मैंने बुकिंग कर ली है, नेक्स्ट में क्या बता रहा था, इसमें ध्यान रखना है टाइमिंग्स का। टाइमिंग एक तो ये है 5 से 6 के बीच में बुकिंग करानी है, उस टाइम पे बहुत सारी अपडेट्स आती हैं, एक रात को 10 से 11 के बीच में, और एक आती है मॉर्निंग में,
मॉर्निंग में लगभग आती है ये 9 से 10 के बीच में। ये तीन टाइमिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो कि हमारी टेलीग्राम से और इससे बिल्कुल मैच होती हैं, एक्यूरेट आती हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो करीबन 4 बज रहे हैं, तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आती चीज़ें, तो वो भी चैटबॉट पे ही पूरा का पूरा चलता है। तो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बैकग्राउंड में किस तरीके से, नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे लिए ये 2 बारी काम कर चुका है, तो मेरे लिए तो ये मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, कोई मिसाल नहीं मेरे को याद आ रही इसके बारे में। तो मेरे लिए तो ये कौन सा तीर होता है वो उसकी तरह साबित हुआ है। तो लेट इट बी, उस तीर को छोड़ो। अगर आपको लगता हो ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ, फैमिलीज़ वगैरह के साथ ज़रूर शेयर करें, और उनको भी बताएं कि किस तरीके से आप इजीली बुक कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझे और प्यार देना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि मैं आपके लिए और इस तरीके की वीडियोस ला सकूं। और हाँ, बाकी के जो व्लॉग्स हैं मेरे ट्रैवलिंग के वो भी आ चुके हैं सारे के सारे। मैं जम्मू गया था, जयपुर गया था, तो उस वो वाले वीडियोस भी आ चुके हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे। बाकी मैं अभी धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नई नई रील्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारियानु मेरी वल्लों वट्टी वाली सत श्रीकाल, ते स्टे सेफ, कोविड से बच के रहना बस।